लव यू कश्मीर, अ वंडरफुल प्लेस विच यू शुडंट मिस विजिट. आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है. आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है. आज मौसम आने वाला कोई पन तूफान है, बड़ा तूफान है. आज मौसम कितनी खूबसूरत ये कश्मीर है, ये कश्मीर है. अरे मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है. जन्नतों सा दरमिया है, आज के दिन हम यहाँ है. जाना मुश्किल है यहाँ से, जाना मुश्किल है यहाँ से. कितनी खूबसूरत ये कश्मीर है, विच यू शुडंट मिस विजिटिंग वंस इन योर लाइफ टाइम. कश्मीर तो यू नो हेवन ऑन अर्थ, नोबडी यू नो डिनाइज दैट. बट दूधपत्री ये अलग ही जगह है, जहाँ 7-8 पॉइंट्स हैं विच यू शुड विजिट. डेफिनेटली यू नेवर यू नो रिग्रेट विजिटिंग दिस प्लेसेस. अ वंडरफुल प्लेस, वंडरफुल पीपल, वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी. वी तो जस्ट एंजॉयिंग. डोंट मिस, विजिट कश्मीर, विजिट दूधपत्री अलॉन्ग विद. लव यू, लव यू कश्मीर, लव यू कश्मीरी पीपल. दूधपत्री शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि मेन प्लेसेस है गुलमार्ग, सोनमार्ग, पहलगाम, वहाँ जाके आ जाते हैं. जब मैं गूगल करती थी, मैंने देखा दूधपत्री भी एक बहुत अच्छी जगह है, और आसपास में भी वो लेके जाते हैं 6-7 पॉइंट्स वेर दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और हमें ये मौसम भी हमारा साथ दिया. जब शुरू किया तो बरसात हुई, हम पूरे भीगे. बाद में आए यहाँ पे तो इट वॉज शाइनिंग वेरी यू नो लाइक इट वॉज वेरी नाइस. एंड नाउ इट इज़ क्लाउडी. एक साल का पूरा समर, विंटर और रेनी सीजन हम यहाँ पे देख लिया, और हम नीचे क्लाइंब करके आना है. और वाटर इतना चिल है, आप टच भी नहीं करते. और ए पाइन ट्री से वहाँ पे स्नो दिख रहा है, और नज़रिया बहुत ब्यूटीफुल है. मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का. दूधपत्री आप याद रखिए, जब भी कश्मीर का प्लान करते हो तो यहाँ पे भी आ जाए. नहीं ये तो ये पानी इतना क्लियर है, और वो पानी का, हाँ, क्लियर वाटर और नज़ारा. और वैली में वो पानी बह रही है, हम पानी के साथ बैठे हैं, और पीछे मुड़ते हैं तो वैली का वो पहाड़ है. पहाड़ आधा वो क्लाउड से व्हाट इज़ भरा हुआ है. तो जिस तरफ भी देखो तो ब्यूटीफुल नज़ारा है, तो मिस ना करें, आ जाइए. हाँ, तभी तो देखो मैं फ़र्क नहीं करती, लाइक आई डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेसेस, वेदर फॉरेन हो या इंडिया हो. प्लेसेस तो प्लेस है अच्छे करने का, मगर अगर हमारे इंडिया में इतना खूबसूरत सुंदर जगह है, तो पहले हम इंडियंस होके इंडिया में जो जो ब्यूटीफुल प्लेसेस है वहाँ विजिट करो. डेफिनेटली आप बाहर जाओ, विदेश जाओ, उनके प्लेसेस भी देखो, मगर हमारे यहाँ जो है उनको पहले देखो, उनको मिस ना करो. कदम रखते हैं यहाँ से जाने तक. ये मेरा 3rd टाइम है कश्मीर आने का. यहाँ आने से जाने तक वो इतना प्यार देते हैं, इतना ख्याल करते हैं, और हॉस्पिटलिटी इज सो ब्यूटीफुल. देयर जितना खूबसूरत कश्मीर.
ये चलो। Bravo,